हाय गाइस एंड वेलकम टू शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावलों से डोसा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डोसा मैंने बचे हुए चावलों से बनाया है। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज आप मिस ना करें। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लगभग एक कप मैंने राइस लिए हैं। ये मेरे रात के बचे हुए चावल हैं। अगर आप चाहें तो इसे फ्रेश चावलों से भी बना सकते हैं। तो ये मेरे रात के बचे हुए चावल हैं, इसको मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें सेम क्वांटिटी में चाहिए चावल का आटा। ये लगभग एक कप चावल का आटा है जो मैंने लिया है। ये चावल का आटा मैंने घर पर बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे घर पर बनाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आधी कटोरी के करीब गेहूं का आटा है, यानी कि होल व्हीट फ्लावर है। आधी कटोरी के करीब दही है। एक चौथाई चम्मच के करीब हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। और ये है जीरा एक चौथाई चम्मच। और स्वाद अनुसार नमक हमने लिया है। यहाँ पर मैंने लगभग आधी चम्मच नमक लिया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम अपना डोसा बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले ली, इसमें हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने इसमें चावल डाल लिया है। चावल डालने के बाद इसमें हम आधा कटोरी के करीब दही डालेंगे। ये देखिए अब इसमें हम एक कटोरी के करीब डाल रहे हैं चावल का आटा। अब हम इसमें आधी कटोरी के करीब या आधा कप के करीब डालेंगे गेहूं का आटा। ये देखिए स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें दो चीजें बची हैं डालने के लिए, वो है बेकिंग सोडा और जीरा, जो कि हम लास्ट में डालेंगे जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें हम लगभग एक कटोरी पानी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर हम तैयार कर लेंगे। जो बैटर है हमारा वो लगभग डोसे का बैटर होना चाहिए। जैसा हम डोसा बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। ये देखिए इसको हमने अच्छे से चर्न कर लिया है और आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल डोसे जैसा एक बैटर तैयार हो गया है। इसकी हेल्प से हम डोसा बनाएंगे। पर डोसा बनाने से पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। ये मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा भी डाल देंगे। आप चाहें तो महीन काट कर इसमें आप करी पत्ते और अदरक को घिसकर डाल सकते हैं, हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं इसमें। फ्लेवरिंग से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका डोसा तैयार करेंगे। अब हम तवे को गर्म करने रख देते हैं। ये देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है। इस पर हम हल्के सा ऑयल फैलाएंगे और इसको किसी भी कपड़े की हेल्प से हम बहुत लाइटली वाइप कर लेंगे ताकि जो अच्छी सी एक बहुत लाइट सी कोटिंग आ जाए तवे पर और हल्का सा चिकना हो जाएगा तवा। ये मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। अब हमारा तवा गर्म है। इस पर हम लगभग दो चमचे हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो हम इस पर डालेंगे और एक कटोरी की सहायता से हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए अगर आपके डोसे में हल्की सी जाली आ रही है तो आप बिल्कुल वरी ना करें। इसको आप हल्के से थोड़ा सा बैटर डालकर इस तरीके से करेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको सिकने देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको सिकना होगा हमें। मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे और लगभग 2 मिनट बाद सेकने के बाद हम इसके किनारे किनारे तक पर ऑयल फैलाएंगे। एजेस पर हम ऑयल डालेंगे। तब तक हम इसको सिकने देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो चावल का डोसा है खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में चावल बच जाते हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसके किनारे किनारे घी डाल दिया है। ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा डोसा सिक चुका है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है डोसे का और नीचे से ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। अब इसके ऊपर हम आलू फैला देंगे। जो मैंने डोसे का आलू बनाकर रखा है वो मैं इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि डोसे का आलू किस तरह से बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए आलू मैंने इस पर फैला दिया है। हमारा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी डोसा बना है। ये देखिए आप इसको कोकोनट चटनी, रेड चटनी, जो डोसे वाली चटनी होती है सांभर, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है ये। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।